दोस्तों Realme 11 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो कल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाले हैं दोपहर के 12 बजे। और फाइनली आज यहां पर Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन की इंडियन वेरिएंट की ऑफलाइन मार्केट में अनबॉक्सिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और दूसरी चीज, यहां पर कुछ एक्सक्लूसिव जो ऑफर्स होने वाले हैं स्मार्टफोन के फर्स्ट फ्लैश सेल के लिए उसकी जो डिटेल्स है वो यहां पर निकल गया, जो कि कौन सा वेरिएंट लेते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, जो Realme वॉच वाला ऑफर है वो कैसे होने वाला है, तो सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर बात करूं Realme 11 सीरीज के स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि Realme 11 Pro Plus 5G जो वेरिएंट है ये ऑफलाइन मार्केट में काफी सारी जगहों पे ऑलरेडी जा चुका है और लॉन्च होने से पहले ही ऑफलाइन मार्केट में इस स्मार्टफोन की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है इंडियन यूनिट की वो यहां पर निकल कर आ चुकी है। और ये कोई डेमो सेट वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल रिटेल यूनिट है। तो यहां पर जो बॉक्स की डिजाइनिंग है वो पुराने बॉक्स की जैसी ही आपको देखने को मिलती है, जिस टाइप की डिजाइनिंग आपको Realme 10 सीरीज के स्मार्टफोन देखने को मिली है। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो हमें यहां पर एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है, सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, स्मार्टफोन का बैक कवर दिया गया है, चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और 100 वाट का चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बॉक्स कंटेंट है, बाकी स्मार्टफोन जो वो काफी अच्छा है। व्हाइट कलर की जो अनबॉक्सिंग है वो फिलहाल निकल करके आई है। अगर बात करूं स्मार्टफोन के, अब यहां पर कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स के डिटेल के बारे में जो कि इस स्मार्टफोन के फर्स्ट फ्लैश सेल के लिए होने वाले हैं, तो देखो कल ये जो स्मार्टफोन है वो दोपहर के 12 बजे ऑफिशियली फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगा। 6 बजे से 8 बजे के बीच में इसकी अर्ली एक्सेस सेल है जिसमें आपको कुल 2 घंटे दिए जाएंगे और इस 2 घंटे में आप स्मार्टफोन को ऑर्डर कर पाएंगे। ये जो स्मार्टफोन है 9 तारीख को प्री ऑर्डर के लिए जाने वाला है। तो अर्ली एक्सेस सेल में क्या ऑफर्स हैं, क्या डिटेल निकल कर आई है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। फिलहाल अर्ली एक्सेस सेल में दोनों स्मार्टफोन पे ऑफर होने वाले हैं और 2 ऑफर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन के 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो इस पे 2 ऑफर होने वाले हैं। सबसे पहला ऑफर, ₹1000 का बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है और ₹500 का कूपन पे डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, तो ये ऑफर है। दूसरा ऑफर ये है कि अगर आप EMI लेते हैं तो आपको नो कॉस्ट EMI 6 महीने की और 500 आपको कूपन देखने को मिलता है। इसमें जो दूसरा ऑफर है उसके अंदर आपको ₹1000 का कूपन Realme वॉच के लिए जो कि स्मार्टफोन के डिलीवरी के बाद आपको मिलेगा, जब आपका स्मार्टफोन डिलीवरी आपके स्मार्टफोन की आपके घर पे हो जाएगी तो उसके बाद में ये जो ₹1000 वाला कूपन ऑफर है Realme वॉच के लिए वो यहां पर आपको दे दिया जाएगा। तो ये 2 ऑफर Realme 11 Pro स्मार्टफोन के हाई एंड वेरिएंट पे चल रहे हैं। Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसके 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए जो ऑफर है वो सबसे पहले ₹1500 का डिस्काउंट आपको कार्ड पे देखने को मिल रहा है और ₹500 का कूपन पे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कुल ₹2000 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। साथ में नो कॉस्ट EMI अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो यहां पर भी आपको नो कॉस्ट EMI 6 महीने के लिए मिल जाएगी और ₹500 आपको कूपन पे भी ऑफ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप नो कॉस्ट EMI नहीं लेते हैं, स्मार्टफोन को डायरेक्टली परचेस करते हैं, दूसरा ऑफर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको Realme वॉच के लिए ₹1500 का जो कूपन है वो आपको देखने को मिलेगा जो कि स्मार्टफोन के डिलीवरी के बाद आपको दिया जाएगा, तो जो कि इस स्मार्टफोन के अर्ली एक्सेस सेल में रखे गए हैं। अब यहां पर प्री बुकिंग के लिए अलग ऑफर होने वाले हैं, नॉर्मली आप स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसके लिए अलग डिस्काउंट होने वाला है जो कि मैं आपको बता दूंगा। और साथ में यहां पर एक्सचेंज काफी ऑफ है, या तो आप कार्ड का डिस्काउंट लगाइए या फिर आप एक्सचेंज करके भी ₹1500 का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये पूरी डिस्काउंट के बारे में डिटेल है। अब कल ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च हो जाएगा, कल मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या प्राइस जा रही है, उसके हिसाब से बता दूंगा कि आपको ये स्मार्टफोन अभी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।